हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सर्कल। आज है 23 मार्च 2019 और 23 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सब की चर्चा इस वीडियो में करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर के प्रश्नों का सिलसिला। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च, बी 20 मार्च, सी 18 मार्च और डी 22 मार्च। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च, यानी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। विश्व जल दिवस 2019 के लिए थीम है लीव नो वन बिहाइंड। ये सतत विकास के लिए 2019 एजेंडा के केंद्रीय वादे का एक रूपांतर है। सतत विकास के रूप में सभी को लाभ होना चाहिए। सतत विकास लक्ष्य 6वें का उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान, बी तुर्की, सी अफगानिस्तान और डी इराक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की संसद ने देश के लंबे समय से राष्ट्रपति रहे नूर सुल्तान नजफबायेव के सम्मान में राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान करने का फैसला किया है। कजाकिस्तान की करेंसी का नाम कजाकिस्तान तेंगे है तथा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अस्कर मामिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के साथ आयोजित होगा? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी रूस और डी भूटान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। यह एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के सेनाओं के बीच सैन्य कूटनीति और बातचीत के भाग के रूप में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। श्रीलंका में वर्ष 2018-19 के लिए 26 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी रक्षा विंग के अनुसार भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट और श्रीलंकाई सेना के गेमनू वाच बटालियन संयुक्त रूप से अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को ओलंपिक परिषद OCA की स्थायी समिति में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सरदार सिंह, बी मनप्रीत सिंह, सी संदीप सिंह और डी आकाशदीप सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरदार सिंह। सरदार सिंह हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्हें सरदारा सिंह के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2008 के अजलन शाह टूर्नामेंट में पहली बार भारतीय टीम का नेतृत्व करके देश के सबसे युवा कप्तान बने थे। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में सरदार सिंह को नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था। 2012 में सरदार सिंह को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा उन्हें देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा किस क्षुद्रग्रह पर जलवाहक खनिज तत्वों की खोज की गई है? ऑप्शन नंबर ए सेरिस, बी फोरवेस्टा, सी पोलिसा और डी बेन्नू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेन्नू। नासा का फुल फॉर्म आपको बता दें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है तथा यह संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मिलिट्री स्टाइल सेमी ऑटोमेटिक और असॉल्ट राइफल्स पर प्रतिबंध की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया और डी पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड। क्राइस्टचर्च में मस्जिद में हुए हमले के कारण न्यूजीलैंड सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया है। न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में एक देश है। यहाँ की राजधानी वेलिंगटन है। वेलिंगटन की दो खेल प्रतियोगिताएं प्रसिद्ध हैं। पहली प्रतियोगिता है वेलिंगटन कप जो कि घुड़सवारी से संबंधित है तथा दूसरी प्रतियोगिता है वेलिंगटन ट्रॉफी जो कि नौकायन से संबंधित है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल ही में RPF की परीक्षाएं संपन्न हुई है जिसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इसका आंसर होगा नौकायन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 19 मार्च, बी 17 मार्च,
सी 21 मार्च और डी 20 मार्च। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 21 मार्च। 20 दिसंबर 2007 को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मान्यता दी। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो व्यक्तियों में शारीरिक और मानसिक विकास में देरी का कारण होता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों या वयस्कों में कम IQ और सीखने की क्षमता के साथ साथ चेहरे की खासियत भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ महिला चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? ऑप्शन नंबर ए मालदीव, बी भारत, सी श्रीलंका और डी बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत ने नेपाल को हराकर लगातार 5वीं बार सैफ वुमेन चैंपियनशिप जीती है। सैफ का फुल फॉर्म साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे गहरी सॉफ्ट गुफा की खोज कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी हरियाणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेघालय। मेघालय में भारत की सबसे गहरी सॉफ्ट गुफा की खोज की गई। अब बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। किस देश की कोच फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री बन गई है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी चीन, सी रूस और डी फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत की इंटीग्रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली दुनिया में सबसे अधिक रेल कोच के निर्माण के मामले में नंबर एक पर आ गई है। भारत ने इस मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। इंटीग्रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली की स्थापना 2012 में हुई थी। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो के PDF की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप नॉलेज सर्कल को Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें तथा ऐसे ही करंट अफेयर और जॉब रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल नॉलेज सर्कल को अभी सब्सक्राइब करें। नॉलेज सर्कल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।